आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूबलाइट के वर्किंग के बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि एक ट्यूबलाइट काम कैसे करता है। वैसे इसे ट्यूबलाइट या फ्लूरोसेंट लैंप दोनों कह सकते हैं। इसे फ्लूरोसेंट लैंप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लूरोसेंस इफेक्ट होता है। फ्लूरोसेंस क्या होता है कि जैसे अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, तो उसे एब्जॉर्ब करके जो पार्टिकल्स या जो बॉडी लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम फ्लूरोसेंस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा ये ट्यूबलाइट भी काम करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी यूवी रेडिएशन को ले करके और हमें वाइट लाइट एमिट करता है। ठीक है, इसलिए इसे फ्लूरोसेंस लैम्प भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से देखेंगे कि किस तरह से ट्यूबलाइट काम करता है। यहाँ पर चोक का क्या रोल होता है, ठीक है, स्टार्टर का क्या रोल होता है। हम यहाँ पर ये नहीं डिस्कस करेंगे कि एक ट्यूबलाइट के अंदर वो कौन सी फिजिक्स है जिसके ऊपर पूरा ट्यूबलाइट का फंक्शन होता है, यानी कि फ्लूरोसेंस क्या है या ये सब चीज़ें क्या हैं, क्योंकि वो हमारे इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बस देखेंगे कि हमारा जो जनरल सर्किट होता है एक ट्यूबलाइट का वो किस तरह से काम करता है। यह वीडियो मैंने पहले इंग्लिश में बनाया है और उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा ये कमेंट्स आ रहे थे कि इसे मैं हिंदी में भी बनाऊं, तो ये वीडियो हिंदी में है। अगर आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, वो आप ऊपर आई सेक्शन में भी देख सकते हैं या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडक्टर क्या होता है, ठीक है, या इंडक्टर कैसे काम करता है। मैं बिल्कुल बेसिक्स से आपको बताने की कोशिश करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आपको बेसिक फिजिक्स के बारे में मालूम हो, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। पर फिर भी मैं यहां पर आपको एक ओवरऑल पिक्चर दे देता हूं। इंडक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा एक कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी आप मान लीजिए, ठीक है, इसके ऊपर मैं अगर कुछ वायर्स इस तरीके से लपेट देता हूँ, कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा एक इंडक्टर कहलाता है। ठीक है, ये हमारा जो वायर का वाइंडिंग है इसे वाइंडिंग भी कहते हैं या इंडक्टर भी कहते हैं। जो ये बॉडी हमारा इंटरनली होता है इसे हम कोर कहते हैं। नॉर्मली जब हम एक इंडक्टर की बात करते हैं तो ये कोर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कैरी कर सके। जब करंट इन वायर्स से पास करती है तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड्स तैयार होते हैं जो इस कोर के थ्रू फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक इंडक्टर होता है। इंडक्टर का जो बिहेवियर है, हम अब चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, देखिए हम जानते हैं कि एक रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। एक रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कि कोई, यहाँ पर एक मिनट के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं कि इस तरह से हमारा एक बैटरी है, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस ऐड किया है। तो जब हमारा यहाँ पर वोल्टेज हम सप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर जब एक स्विच है, ठीक है, यहाँ पर एक मैं स्विच बना देता हूँ, यहाँ एक स्विच है, जब हम इस स्विच को टर्न ऑन करते हैं तो हमारा क्या होता है, जब हमारा बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो इसमें से करंट फ्लो करता है। ठीक है, I I इक्वल टू क्या होता है हमारा यहाँ पर V बाई R, यानी कि हमारा वोल्टेज V डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस R। जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हमारा करंट भी रुक जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा इंडक्टर में बिल्कुल भी नहीं होता है। इंडक्टर थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करता है, तो आइए जान लेते हैं कि इंडक्टर किस तरीके का बिहेवियर यहाँ पर शो करता है। देखिए, जब हम स्विच को ऑफ रखे हैं, ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में कुछ नहीं होता, ठीक है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि स्विच पहले ऑफ था और एक सर्टेन टाइम पे मैंने इसे ऑन किया, तो वैसे में क्या होगा कि सबसे पहले जो हमारा इंडक्टर है वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो करंट को पास करने ने देना नहीं चाहता। इंडक्टर के बारे में जो एक लाइन में हम कह सकते हैं, इट अपोजेस द चेंज ऑफ करंट, यानी कि ये करंट के चेंज होने के प्रभाव को रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करंट क्या चाहता है, फ्लो करना चाहता है, लेकिन इनिशियली क्योंकि इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो इंडक्टर चाहता है कि वही स्टेट हमेशा बना रहे। इसे आप मैकेनिक्स के इनर्शिया की तरह समझ सकते हैं कि एक इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया हमेशा हमारे बॉडी को उसी स्टेट में रखना चाहता है जिस स्टेट में वो था। जैसे कि आप किसी गाड़ी में अगर बैठे हैं तो अगर गाड़ी अचानक से चलना चालू करती है, मान लीजिए ब्रेक लगी हुई थी और उसके बाद गाड़ी चलना चाहती है, तो हमारा बॉडी जो है गाड़ी के मूवमेंट के अपोजिट फ्लो करता है, यानी कि वो गाड़ी के मूवमेंट को अपोज करने की कोशिश करता है। उसी तरीके से अगर कोई गाड़ी बहुत तेज स्पीड में चल रही है और अगर अचानक से ब्रेक लगता है तो उस समय में क्या होता है, हमारा बॉडी आगे की तरफ मूवमेंट करता है, यानी
ब्रेक लगने के समय गाड़ी तो रुक गई लेकिन हमारा बॉडी उसे रेजिस्ट करता है, किस तरीके से, वो गाड़ी के मूवमेंट को आगे ले जाना चाहता है, यानी हमारे बॉडी को आगे ले जाना चाहता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह हमारा यहाँ इंडक्टर भी काम करता है। इनिशियली क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसलिए इंडक्टर चाहता है कि अभी भी कोई करंट यहाँ से फ्लो ना करे, और कुछ देर के बाद ये वापस से करंट को पूरी तरीके से जाने देता है। अगर यहाँ पे डीसी बैटरी की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ये करंट को उसके बाद जाने देता है। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब हम स्विच को ओपन करेंगे, मान लीजिए ये काफी देर तक क्लोज था और अब हमने इसे ओपन कर दिया, ऐसे में क्या होगा, ये वापस से करंट को रेजिस्ट करेगा, ये करंट ये चाहेगा नहीं कि इंडक्टर से करंट जाए, ठीक है। इसके वजह से ये क्या करता है, अपोजिट पोलैरिटीज बना लेता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अक्रॉस इंडक्टर जो है हमारा वोल्टेज अपोजिट पोलैरिटी का हो जाता है। आइए समझते हैं किस तरीके से ये पूरा चीज होता है एक इक्वेशन के थ्रू। तो यहाँ पर आप एक इक्वेशन देख सकते हैं राइट साइड में जो इंडक्टर के पास है, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई डी टी। आइए जान लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए, E हमारा होता है इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ, यानी कि आप समझ सकते हैं वोल्टेज। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है, इक्वल टू एल। एल हमारा होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो इस इंडक्टर की होती है। अभी हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर आप चाहें तो इसे आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। बस मैं इतना बता देता हूं कि एल के जरिए हम इसके इंपिडेंस के बारे में, यानी ये कितना इंपिडेंस देता है सर्किट में, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं, अगर हमें पता हो कि करंट का फ्रीक्वेंसी क्या है। डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, यानी कि एक लीनियर डीसी, मैं यहाँ पर टाइम वेरिंग डीसी की बात नहीं कर रहा, लीनियर डीसी में हमारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, और ऐसे में इंडक्टर का जो इंपीडेंस होता है वो जीरो होता है, ठीक। तो हम ज्यादा इंडक्टेंस के बारे में नहीं बात करते हैं। इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है इंडक्टर की। अब देख लीजिए यहाँ पर डी आई डी टी, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई डी टी। अब डी आई डी टी क्या है, चेंज ऑफ करेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। डी आई का मतलब डिफरेंस इन करंट, ठीक है। डिफरेंस इन करंट क्या होगा, मान लीजिए कि इनिशियली जब मान लीजिए कि ये स्विच ऑफ था, ठीक है, ये स्विच हमारा बंद था और 5 एम्पियर करंट यहां से फ्लो कर रहा था। मैं ऐसा मान लेता हूं कि यहां से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था और अचानक से हमने स्विच को ओपन कर दिया, तो हमारा चेंज इन करंट कितना हुआ, 5 एम्पियर करंट पहले फ्लो हो रहा था और जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया हमारा करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये हो गया हमारा चेंज इन करंट, मतलब इनिशियल करंट माइनस फाइनल करंट, ठीक है। इसके बाद हमारा चेंज इन टाइम डी टी, यानी कि 5 से 0 एम्पियर जाने के लिए हमारा यहाँ पे टाइम क्या लगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना टाइम इस स्विच को ऑन से ऑफ पोजीशन जाने में लगा है वही हमारा यहाँ पर टाइम हो जाएगा करंट के चेंज होने का, ठीक है। तो हमारे को स्विच, मान लीजिए कि आपके घर में कोई स्विच है, आप उसे ऑफ करते हैं तो आपको कितना समय लगता है, मान लीजिए कोई स्विच है और अभी ऑन था और आपने क्षण भर में उसे ऑफ कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि आइडियली 0 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है, कुछ माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, बट यहाँ पर हम कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मान लेते हैं कि ये 0 सेकेंड्स होता है। तो 5 माइनस 0 हमारा 5 आ जाता है और डी टी हो गया हमारा 0, तो यहाँ पर 5/0 क्या हो जाता है हमारा, इन्फिनिटी, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि E इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या हो गया, माइनस एल इंटू इन्फिनिटी। अब एल का कुछ भी वैल्यू हो अगर वो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होता है तो वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमारा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे जो इंडक्टर के अक्रॉस में जो ईएमएफ है वो तभी जनरेट होता है जब करंट में चेंज हो। यानी कि अगर मान लीजिए स्विच ऑन की पोजीशन में है और 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो चेंज इन करंट कितना होगा, पहले भी 5 था अभी भी 5 है, तो करंट का कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा, हमारा जो इंडक्टर का ईएमएफ है वो जीरो रहेगा क्योंकि डीआई जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि करंट जो हमारा इनिशियली 5 एम्पियर था जब हमारा स्विच कनेक्टेड था और जैसे ही हमने स्विच खोला हमारा करंट क्या हो गया, 0 एम्पियर। तो हमारे को करंट के चेंज नजर आया और हमने देखा कि कितने टाइम में ये चेंज हुआ, तो 0 सेकेंड्स में ये चेंज हुआ क्योंकि स्विच को ऑन से ऑफ पोजिशन जाने में 0 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। तो हमारा डीआई अपॉन डीटी क्या हो जाता है, यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी को एल से मल्टीप्लाई किया हमारा इन्फिनिटी आता है और हमने फाइनली देखा कि ई इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी। अब बात है यहाँ पर माइनस का मतलब क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस इनफाइनाइट वोल्टेज है। अब इनफाइनाइट वोल्टेज का मतलब क्या है पहले ये जान लेते हैं, फिर मैं माइनस पे आता हूं। तो इनफाइनाइट वोल्टेज का मतलब
ऐसे तो हमारे यहाँ मैथमेटिकली हमने हमारा यहाँ इन्फिनिटी इसलिए आया क्योंकि हमने ये माना कि जो स्विच को पोजीशन चेंज करने में टाइम लगा वो 0 सेकेंड्स है, हालांकि कुछ माइक्रोसेकेंड्स रहता है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो बहुत हाई होता है। आइडियली मैं बात करूँ तो ये अराउंड 15 किलो वोल्ट टू 20 किलो वोल्ट तक भी जा सकता है या इससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह के वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी अगर 10 वोल्ट या 100 वोल्ट DC है और यहाँ पर 15 kVs या 20 kVs वोल्टेज भी जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उसे हम 15 या 20 kV को ना करके हम इसे इन्फिनिटी कहते हैं, यानी जो हाईएस्ट पॉसिबल वोल्टेज आप समझ सकते हैं वो यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस हो जाता है। अब माइनस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे बैटरी में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ई इक्वल टू माइनस का मतलब हो जाता है कि हमारे जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो अपोजिट पोलैरिटी का है, यानी कि अगर यहाँ पर प्लस होता है सोर्स में और यहाँ माइनस होता है तो हमारे यहाँ इंडक्टर में यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। यानी ये वोल्टेज का पोलैरिटी होगा अपोजिट टू द सोर्स वोल्टेज, और हमारा वोल्टेज कितना है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पर स्विच ओपन है तो ऐसे में क्या होगा, अगर मैं किसी एक नॉर्मल सर्किट की बात करूं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका एक 10 वोल्ट का सोर्स है और यहाँ पर एक मैंने रेजिस्टेंस लगाया है और मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर वोल्टेज आपको क्या दिखेगा इस ओपन टर्मिनल ए बी में, तो आप क्या कहेंगे कि जो सोर्स का वोल्टेज होगा, यानी कि अगर सोर्स का वोल्टेज 10 वोल्ट है तो यहां भी हमें 10 वोल्ट ही दिखेगा, ठीक है। और अगर कोई बीच में वोल्टेज आती है तो वो सोर्स वोल्टेज के साथ ऐड हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी होगा। यहां पर हम देखते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस, क्योंकि हमने स्विच को अभी ओपन कर दिया है तो हमारे यहाँ इंडक्टर के अक्रॉस इन्फाइनाइट वोल्टेज है, ठीक, यहाँ पर इन्फाइनाइट वोल्टेज है और यहाँ पर हमारा प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो ये दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, इसे हम मैं VDC कहता हूँ, ठीक है। अब इन्फिनिटी के साथ आप कुछ भी ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटी ही होगा, चाहे आप प्लस करें या माइनस करें। तो हमारे यहाँ ओपन टर्मिनल में कितना वोल्टेज दिखेगा, इनफाइनाइट वोल्टेज दिखेगा, ठीक है। इनफाइनाइट वोल्टेज यहाँ पर अपियर होता है स्विच के गैप्स के बीच में। अब इनफाइनाइट वोल्टेज होने की वजह से क्या होता है कि हमारे जो स्विच का गैप है वो बहुत छोटा होता है और एयर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, यानी कि जो हमारा आर्किंग होता है वो अगर एयर से होना चाहे तो उसे बस 30 kV/cm का वोल्टेज चाहिए, यानी 1 सेंटीमीटर के गैप में अगर आप 30 kV का वोल्टेज जनरेट कर देते हैं तो आर्किंग हो जाएगा, ठीक है। और हमारे स्विच में तो 1 सेंटीमीटर से काफी कम गैप रहता है, इंटरनली हमारा गैप जो है कुछ मिलीमीटर ही रहता है, और इतना वोल्टेज जो इनफाइनाइट वोल्टेज है, जो मैंने कहा कि 15 से 20 किलो वोल्ट तक होता है, ये 30 किलो वोल्ट भी हो सकता है, तो वो काफी है यहाँ पर स्पार्क जनरेट करने के लिए। तो ओपन टर्मिनल पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर इनफाइनाइट वोल्टेज जो इंडक्टर के अक्रॉस था वो अपियर हो जाता है और साथ ही यहाँ पर हमारा स्पार्किंग होता है गैप्स के बीच में, ठीक है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि जब आप कोई बड़ा पंप लोड है, जैसे मान लीजिए आपके घर में जो वाटर पंप होता है, अगर आप उसे स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं उस समय में क्या होता है कि आप देखेंगे कि स्विच के पीछे आपको कुछ स्पार्क दिखाई देता है या आपको कुछ आवाज आती है कि कुछ तरह का स्पार्किंग हो रहा है। ये स्पार्क इसी वजह से होता है क्योंकि हमारा जो पंप लोड है वो बहुत बड़ा इंडक्टिव लोड है, ठीक है। बहुत बड़ा इंडक्टिव लोड की वजह से ये जो L का वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है ऐसे लोड्स में, ठीक है। तो उस वजह से वो स्विच के पीछे आपको स्पार्किंग दिखेगी। ये ऐसा फैंस में भी होता है, ब्लोअर्स में होता है, मोटर पंप्स में होता है, नॉर्मली हमारे जितने भी बिगर लोड्स हैं उस समय में ये चीजें होती हैं। तो ये हमने कुछ देख लिया इंडक्टर्स के बारे में। अब आ जाते हैं हम मेन सर्किट के ऊपर में। ये हमारा एक्चुअल सर्किट है एक ट्यूबलाइट का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा फ्लूरोसेंट ट्यूब है, जो हमारा ट्यूब हम जो जिसका ऑपरेशन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में, ये होता है हमारा स्टार्टर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट में कि स्टार्टर किस तरीके से काम करता है, और एक और प्रैक्टिकल वीडियो भी है जो इसमें मैंने एक स्टार्टर को एक्चुअली वो कैसा दिखता है और किस तरीके से काम करता है, ये आपने देखा होगा इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स के अंदर आता है। तो वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है और उस वीडियो का लिंक आपको आई सेक्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा ये बैलस्ट है, ठीक है। जो हमने अभी इंडक्टर के बारे में बात किया, इसे चोक भी कहते हैं, बैलस्ट भी कहते हैं, ठीक है, जैसा आप जिस नाम से इसे बुलाना चाहें। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये हमारा ये जो यहाँ पर पिक्चर है, ओके। तो आइए बात कर लेते कि अब ये किस तरीके से काम करता है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज़ देख रहे हैं वो है हमारे यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा 230 वोल्ट एसी हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया। तो 230 वोल्ट हमने जैसे ही सप्लाई दिया तो सबसे पहले क्या होता है कि देखिए यहाँ से आपको क्या दिखाई देता है, एक इंडक्टर है। तो ये इंडक्टर चार्ज होना शुरू करता है, ठीक है। ये हमारे बल्ब के दोनों फिलामेंट्स हैं और यहां से जो करंट है वो फ्लो करता है और स्टार्टर तक आता है। अब मैं बात कर लेता हूं स्टार्टर के बारे में, स्टार्टर क्या क्या काम करता है। देखिए स्टार्टर कुछ नहीं होता, एक बाइमेटेलिक स्ट्रिप होता है। बाइमेटेलिक स्ट्रिप का मतलब ये है कि इस तरह के दो मेटल्स होते हैं, ठीक है। बाई का मतलब होता है टू, मेटालिक का मतलब होता है मेटल्स। तो टू डिसिमिलर मेटल्स होते हैं और बाइमेटेलिक स्विच जो होता है ये एक टेम्परेचर सेंसर की तरह काम करता है। यानी कि अगर आप जब इसमें से करंट फ्लो करता है, मान लीजिए ये इस तरीके से स्विच है, ये ओपन है अभी, ठीक है। जब इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा, जब यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज होता है और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो ये हमारा जो स्विच है ये बेंड करता है, बेंड करके दूसरी तरफ में टच कर देता है और करंट को फ्लो करने में मदद करता है। एक बार जब करंट फ्लो होना चालू हो जाता है और वोल्टेज जो है रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस क्या होता है, हमारा वोल्टेज जो है जीरो हो जाता है। तो उसी तरीके से जब ये टच कर देता है तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट क्रिएट करता है, ऐसे में वोल्टेज डाउन हो जाता है और इसकी वजह से जो है टेम्परेचर वापस से नॉर्मल होने लगता है। ऐसे में ये स्विच वापस से खुल जाता है, ठीक है। ये वापस से जो है ये मैं बना देता हूँ वापस से। तो ये हमारा क्या होता है कि ये जो स्विच है जो कि पहले टच कर रहा था कुछ इस तरीके से, अब ये वापस से खुल जाता है। अब वापस से खुलने की वजह से क्या होता है, वापस से जो हमारा वोल्टेज है वो वापस से पीक पे पहुंच जाता है, ठीक है। मैं बताऊंगा किस तरह कैसे ये चीज़ें होती है, बट अभी फिलहाल आप स्टार्टर के बारे में इतना ही जान लीजिए कि ये एक टेम्परेचर सेंसर की तरह काम करता है। जैसे ही इसके बीच में गैप्स होते हैं और जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, वैसे में ये जो स्विच है ये बेंड कर जाता है अंडर टेम्परेचर इन्फ्लुएंस और बेंड करके दूसरी तरफ टच कर देता है। टच करते ही वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस फॉल कर जाता है, फॉल करते ही ये ठंडा होने लगता है और वापस से अपने प्रीवियस पोजीशन में ये पहुंच जाता है। यानी कि ये वापस से ओपन हो जाता है, यहाँ से ये बीच से ओपन हो जाता है। अब ओपन होने की वजह से वापस से जो हमारा वोल्टेज है वो फिर से हाई टच कर देता है, हाई टच करने की वजह से ये वापस से टच करता है और इस तरीके से ये मतलब कुछ सेकेंड्स तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है, यानी कि इसे शॉर्ट करना ओपन करना ये कंटिन्यू रहता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि ये पूरी चीजें, पूरा जो हमारा ये सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है। पिछले स्लाइड में मैंने आपको इंडक्टर के बारे में पूरे डिटेल में बताया, तो अब ध्यान लेते हैं कि यहाँ पे ये इंडक्टर किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज जो हमने है यहाँ पर लगा दिया, यानी कि हमने स्विच जो है ऑन कर दिया है। अब इंडक्टर क्या है, यहां से करंट फ्लो होना चाहता है। अभी स्टार्टर ओपन है, ठीक है, स्टार्टर जो है हमारे ओपन पोजीशन में है और करंट जो है अभी पहले ट्यूबलाइट में नहीं जाता, सबसे पहले ये यहां पर स्टार्टर में आता है, ठीक है। स्टार्टर पे आने की वजह से क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंडक्टर है, ठीक है, और ये 230 वोल्ट एसी है, तो ये काफी ज्यादा वोल्टेज है। ऐसे में जो हमारे यहाँ पर स्टार्टर के अक्रॉस जो है ये दोनों वोल्टेज ऐड होकर के आते हैं, यानी सोर्स वोल्टेज और जो इंडक्टर का वोल्टेज है। इंडक्टर का वोल्टेज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एसी वोल्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एसी का एक फ्रीक्वेंसी है और टाइम के साथ करंट भी चेंज होता रहेगा। ऐसे में इंडक्टर का भी एक अपना सर्टेन वोल्टेज होगा जो कि डीसी में नहीं होता, ठीक है। अब ये दोनों वोल्टेज के एडिशन की वजह से यहाँ पर स्टार्टर के अक्रॉस बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होता है और ऐसे में स्टार्टर जो है टच कर जाता है, ठीक है। मैं इसे जस्ट एक स्विच की तरह दिखाता हूँ, ये हमारा ओपन पोजीशन में था लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये टच कर गया है। अब स्टार्टर जैसे ही टच कर जाता है, मान लीजिए ये हमारा कॉन्टैक्ट हो गया, तो ये हमारा करंट जो है यहाँ से फ्लो करना चालू कर देता है नॉर्मली और ये बैक कर जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ये टच कर जाता है, मैंने आपको बताया कि जैसे ही स्टार्टर पॉइंट्स टच कर जाते हैं टेम्परेचर फॉल कर जाता है और वापस से स्टार्टर ओपन हो जाता है, ठीक है। यह हमारा स्टार्टर ओपन हो गया। मैं आपको पूरी तरीके से प्रोसेस बता रहा हूं इन डिटेल कि एक्चुअली एग्जैक्टली होता क्या है। अब जैसे ही स्टार्टर ओपन हो गया, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि एक इंडक्टर क्या करता है, हमेशा करंट के चेंज को अपोज करता है, ठीक है। वो नहीं चाहता कि जो हमारा यहाँ पर चीजें जो चल रही हैं वो चेंज हो किसी तरीके से। तो ऐसे में मैंने आपको क्या बताया, पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि जैसे ही इंडक्टर, मान लीजिए ये हमारा एक इंडक्टर है और एक स्विच है, ये जैसे ही ओपन हो जाता है तो वैसे में क्या होता है, इंडक्टर के अक्रॉस ह्यूज वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। तो वापस से इंडक्टर के अक्रॉस यहाँ पर भी बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होगा, आइडियली इनफाइनाइट वोल्टेज, क्योंकि जो हमारा स्टार्टर है वो ओपन हो गया है
और इनफाइनाइट और 230 वोल्ट मिलकर के इनफाइनाइट वोल्टेज बनाते हैं, तो वापस से यहाँ स्टार्टर के अक्रॉस इनफाइनाइट वोल्टेज आ जाता है। इनफाइनाइट वोल्टेज आने का मतलब क्या होगा, हम मैंने आपको बताया कि जैसे ही वोल्टेज राइज होता है यहाँ पर टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर राइज होते ही वापस से स्टार्टर के पॉइंट्स जो है कनेक्ट कर जाते हैं। और इस बार ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है क्योंकि इस बार हमारा जो वोल्टेज है वो बहुत हाई है पहले के मुकाबले, तो ये वापस से यहाँ से करंट जो है हमारा फ्लो करने लगता है। ठीक है, अब इस तरह से कुछ सेकंड्स तक चलते रहता है ये स्टार्टर, वापस से जैसे ही करंट फ्लो करने लगता है ये वापस ठंडा हो जाता है क्योंकि वोल्टेज जो है हमारा ओपन हो गया है, वोल्टेज जो है सॉरी हमारा वोल्टेज जो है यहाँ पर जीरो हो गया है या लो हो गया है, तो ये वापस से स्टार्टर खुल जाता है। स्टार्टर ओपन होने के बाद वापस क्या होता है, ये इंडक्टर के अक्रॉस फिर से हाई वोल्टेज जनरेट होता है। अब इस तरीके से ये क्या कर रहा है कि बार बार ये स्टार्टर ओपन हो करके इस इंडक्टर को बार बार फोर्स कर रहा है हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए। जो हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो स्विच है अगर ओपन हो जाता है और कुछ सेकंड्स के अंतर अंतर पे अगर ये बहुत बार ओपन होता है, तो आप समझ सकते हैं इंडक्टर के अक्रॉस बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जनरेट होता है। इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये बार बार इस तरीके से प्रोसेस होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा एक सर्टेन टाइम पर जो मैंने आपको बताया कि 30 kV/cm अगर अगर आपका लेंथ रहता है 1 cm का और 30 kV आपका वोल्टेज जनरेट होता है, तो वो इनफ है आर्किंग प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टार्टर क्योंकि बार बार ओपन क्लोज हुए जा रहा है और बार बार इस इंडक्टर को फोर्स कर रहा है हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए, एक सर्टेन टाइम पे क्या होता है कि अब इन दोनों फिलामेंट के बीच में बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जनरेट हो जाता है क्योंकि जो इंडक्टर का वोल्टेज है ये बहुत हाई है और ये सिर्फ स्टार्टर को ही नहीं इन दो टर्मिनल्स को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, ये जो हमारे दो टर्मिनल्स हैं इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में भी आर्किंग शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आर्किंग होती है, ये स्टार्टर में भी आर्किंग होती है, लेकिन स्टार्टर अभी भी पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होता, अभी ये फिर से ओपन हो जाता है और फिर से ये इंडक्टर जो है बहुत हाई वोल्टेज शूट कर जाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में ही बताया रीजन क्या है, तो उसी रीजन से ये बार 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 जो स्टार्टर है ओपन क्लोज होते रहता है और हमारा जो इंडक्टर है वो बार बार चार्ज और डिस्चार्ज दोनों होते रहता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो इंडक्टर के अक्रॉस है बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है और इंडक्टर के अक्रॉस जो हमारा इनफाइनाइट वोल्टेज है वो स्टार्टर के अक्रॉस एज वेल एज जो हमारा ये ट्यूब है इसके अक्रॉस दोनों के अक्रॉस दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि इसके भीतर भी स्पार्किंग हो रही है और साथ ही स्टार्टर में भी स्पार्किंग हो रही है, हालांकि अच्छे ट्यूबलाइट्स में ये बहुत जल्दी ये रैपिड होता है ये प्रोसेस। अगर हमारा स्टार्टर सही है तो ये चीज़ बहुत फास्टली होता है, अगर स्टार्टर खराब है तो ऐसे में स्पार्किंग जनरेट करने में टाइम लगेगा और आप देखेंगे कि ये जो स्पार्किंग है बार बार हो रहा है लेकिन ट्यूबलाइट टर्न ऑन नहीं हो पाएगा। इवेंचुअली क्या होता है कि इस तरीके से बार बार ट्यूबलाइट के अंदर मान लीजिए इस तरह से स्पार्किंग हुए जा रहा है और कुछ सेकंड्स के बाद क्या होता है, ये पूरा तरीके से जो डाइलेक्ट्रिक है हमारा ये ब्रेक हो जाता है और हमारा करंट जो है इस पाथ से फ्लो करने लगता है। ठीक है, ये हमारा जो करंट है जो हमारा अब सर्किट है वो क्या होगा, इस ट्यूबलाइट के थ्रू ही फ्लो करने लगता है। ठीक है, यानी कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ब्रेक हो जाता है, ये जो ट्यूबलाइट जो हमारा ग्लास ट्यूब है इसके भीतर आर्गन गैस रहता है, आर्गन एक नॉन रिएक्टिव गैस है। ठीक है, तो इसके भीतर से हमारा क्या होता है कि जो बार बार इस तरीके से स्पार्किंग होने की वजह से जो ट्यूबलाइट है वो टर्न ऑन हो जाता है और हमारा सर्किट जो है अब इस ट्यूब के थ्रू ही कंप्लीट हो जाता है। अब करंट जो है वो इस स्टार्टर के थ्रू नहीं जाती है। ठीक है, क्योंकि उसे एक शॉर्ट पाथ मिल गया है, जब ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो जा गया यहाँ से जब करंट फ्लो करने लगेगा और जब यहाँ से सारा इसको शॉर्ट पाथ मिल जाएगा तो वो क्यों किसी ओपन पाथ में जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ से नहीं जाता, इसी वजह से अगर आप ट्यूबलाइट टर्न ऑन होने के बाद स्टार्टर को निकाल भी दें तो उससे ट्यूबलाइट के प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप ट्यूबलाइट को वापस से टर्न ऑन करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको स्टार्टर लगाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टर जो है बार बार ओपन क्लोज होते रहता है, ये आप स्टार्टर के आवाज़ को सुन करके भी समझ सकते हैं, उसमें से एक क्लिक
की आवाज आती है बार बार, तो वो इसी वजह से होती है कि हमारा जो दोनों मेटल्स हैं, जो दोनों मेटल प्लेट्स हैं हमारे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। एक एक्चुअल सर्किट में ये एक ऐसे कर्व्ड रहता है और एक ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये बार बार जो है हमारा टच करता है और ओपन होते रहता है, बार बार ये प्रोसेस इस तरीके से होते रहता है। और ये इतना रैपिडली होता है, जितना रैपिड वो होते रहेगा उतना जल्दी उतना हाई वोल्टेज ये हमारा इंडक्टर जनरेट करेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं DI अपॉन DT, DT यानी कि कम टाइम, जितना कम टाइम में होगा यानी जितना फास्टली ये प्रोसेस होगा उतना हमारा जो है वोल्टेज हाई जनरेट करेगा, क्योंकि E इक्वल टू माइनस एल DI अपॉन DT। तो ये है पूरा प्रोसेस, ये है पूरा सर्किट एक ट्यूबलाइट का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो और आपने यहाँ से कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप कोई सजेशन या फीडबैक या क्वेरी या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। स्टार्टर का एक प्रैक्टिकल वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया इस चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि एक एक्चुअल स्टार्टर किस तरीके से काम करता है। और इंग्लिश में भी ये वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नाम है विवेक, फिर से मैं आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू।